हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बताओ। तो वराह मिहिर वाला, क्योंकि वो तो एस्ट्रोनॉमर भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे। सो वराह मिहिर वाज अ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर। ही हैड रिटन बृहद संहिता ऑन एस्ट्रोलॉजी। एक तो लिखी थी पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, आर्य सिद्धांतिका था वैसे ही, पंच सिद्धांतिका, और दूसरी बृहद संहिता। ये बुक उन्होंने लिखी थी। वराह मिहिर हैड डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू, भाई एस्ट्रोलॉजी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तंत्र, होरा एंड संहिता। फिर से, क्या तीन पार्ट है किसके? एस्ट्रोलॉजी के, तंत्र, होरा एंड संहिता। ही स्टेटेड द इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट ऑन मैन्स फ्यूचर, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आज ही। ही स्टेटेड द ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, द टाइम ऑफ मैरिज, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स एंड गुड ओमेन फॉर सोइंग। मतलब उन्होंने प्लेनेटरी मोशन की ह्यूमन के लाइफ के ऊपर इफेक्ट होती है वो बताया था, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम फ्यूचर वो भी बताया। एट द सेम टाइम, एक परफेक्ट टाइम, टाइम मतलब दिन का टाइम, मंथ का टाइम और पूरे के पूरे ईयर का टाइम, कि कब ये हम प्लांटेशन करें, गुड ओमेन फॉर सोइंग, मतलब कौन से टाइम पे सही सही हम करें। मतलब जैसे कि हम ऐसा समझो कि विंटर के रवि क्रॉप है और तुम खरीफ में डाल रहे हो, बारिश में वो क्रॉप डाल रहे हो, तो वो तो होगा नहीं। तो ये सब हमें साइंस मिला कैसे, भाई ये विंटर में ये क्रॉप, खरीफ में ये क्रॉप, ये सब कैसे मिला? ये हमारे जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के जो साइंटिस्ट बोलेंगे हम, उन्होंने ही सब कुछ डिटेल में हमें बताया है। तो भाई टाइम ऑफ मैरिज के में नहीं हम मुहूर्त देखते कि भाई टाइम ऑफ मैरिज कहाँ क्या चीज, जैसे कि घर में गृह प्रवेश करना हो तो बोले कि इस दिन तो इस मंथ में नहीं करना, नेक्स्ट मंथ करना। नया घर किसी ने बनाया, अब वो लोग पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो वास्तु पूजा करवाते हैं, नहीं बोलते कि घर में वास्तु है, वास्तु पूजा करवाई, मतलब वास्तु के हिसाब से तो बनाना होता है, वास्तु के हिसाब से घर बनाना होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है और हम लोग मानते नहीं है। वो भी एक प्रॉब्लम है, और जो मानते हैं उसके अकॉर्डिंगली बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सपोज मैं मानता हूं लेकिन फिर जो कंस्ट्रक्शन करना है वो कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है जो है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन वास्तुशास्त्र में ऐसा नहीं बताया कि भाई आप सपोज इस डायरेक्शन में, मेन तो बताया है कि भाई आपका मंदिर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका किचन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका बेडरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका टॉयलेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, वो सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। अगर ऐसा सेटिंग नहीं हो रहा है तो क्या करें, उसके सॉल्यूशन भी बताए गए हैं, वो हम नहीं कभी पढ़ते और कभी भी सर्च नहीं करते उसके सॉल्यूशन की। सपोज हमारा ऑलरेडी घर है, अभी हम नया बनाने के कोई प्लानिंग नहीं है, अब हम क्या करें? तो इसीलिए नए घर अगर बना नहीं है और उसमें अगर वास्तु दोष है, बोलते हैं ना हम वास्तु दोष, तो वो वास्तु दोष ना रहे इसीलिए वास्तु पूजन करते हैं, कि भाई कुछ भी गलत तरह से कुछ भी बन गया हो तो ऑलरेडी बन गया है लेकिन अभी हमने यूज तो शुरू नहीं किया, फ्यूचर में यूज करेंगे तब जाके दोष बनेगा, वो दोष के लिए हम पहले से ही माफी मांग रहे हैं भाई कि हमें माफ करना, हमसे भूल हो गई, हम नहीं चाहते कि ऐसे दोष हमसे हो, लेकिन कंडीशन और सिचुएशन ऐसी है तो हम पहले से ही उसके लिए माफी मांग लेते हैं, फॉर आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तो दैट इज दी वास्तु पूजन। तो वो सब भी हमें बताया है। तो कहाँ घर में कब एंट्री करनी है और शादी की डेट पक्की करनी हो या शादी करनी हो, टाइम ऑफ मैरिज, कहीं पे पॉन्ड बनाना हो, कहीं पे किचन बनाना हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, नहीं भूमि पूजन करते, तो कोई भी टाइम पे ऐसे नहीं कि बस चलो आज से काम शुरू, ऐसे थोड़ी। पर्टिकुलर टाइमिंग देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, एटलीस्ट हम भी कुछ भी देखेंगे ना। भाई ऐसे ही थोड़ी जैसे कि हम बोल दे कि चलो नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 10th के बाद 11th की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आ जाना, कब आओगे, ऐसा करो सैटरडे को सुबह 5 बजे आ जाना। अरे स्टार्टिंग ही सर ऐसे, एक तो सैटरडे नया दिन रखो, कोई मंडे रखो, या संडे मंडे, मतलब ऐसा एटलीस्ट वास्तु के ज्ञान के अकॉर्डिंगली नहीं, हम बेसिकली सर 5 बजे पहले ही दिन 5 बजे, थोड़ा
थोड़ा आराम से स्टार्ट करते हैं ये वो, या ऐसी मेंटेलिटी होती है ना हमारी कि पर्टिकुलर डे में रखे पर्टिकुलर, सर आज तो जैसे कि आज छुट्टी है, तुम आज स्कूल से जल्दी छूट गए तो हम कैसे अभी दोपहर को पढ़ रहे हैं, ओके तो ये हम सोचते हैं ओके कि भाई जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाए, हमें ज्यादा टाइम मिले, तो वैसे ही सब कुछ सोचना कौन से टॉपिक्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और टाइम ऑफ मैरिज, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन, गुड अमेंग फॉर सोइंग, सब के ऊपर इफेक्ट तो होती है, तो क्या इफेक्ट होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें कौन देते हैं, वराहमिहिर ने दी थी एस्ट्रोलॉजी में, ओके जो उन्होंने बृहद संहिता लिखी थी उसमें। डन, मेनली रिपीटेंस ही है, बहुत सब कुछ रिपीट हुआ, सिर्फ टाइप्स जो हमने देखी ओके एस्ट्रोलॉजी के टाइप्स, वो तीन टाइप्स याद रखने हैं, तंत्र, होरा एंड संहिता। डन, ये हमने नहीं देखा था, वो ये क्वेश्चन में देखा, अदरवाइज तो रिपीटेंस ही है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ओके हाँ। और ये छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, तो भाई ऐसा समझो साइंस मतलब ऐसा समझो थियरी, और टेक्नोलॉजी मतलब ऐसा समझो प्रैक्टिकल, मोटा मोटा समझने के लिए ओके। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज, क्या सिस्टमेटिक नॉलेज, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स दी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, मतलब उसकी एप्लीकेशन, जैसे कि अभी हम मैथ सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ओके, तो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री सिखाई कि भाई 10:30 तो तुम लेना ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ये वो, अब 9th चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका तो नाम ही ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें अलग 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 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक बंदा बैठा हुआ है रिवर बैंक पर और वो सामने बिल्डिंग को देख रहा है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ओके, एक कार दिखाई दे रही है, तुम अगर 10-storied बिल्डिंग पे हो और वहां से तुम्हें एक कार तुम्हारे पास आती दिखाई दे रही है, उसकी स्पीड ये है, कितने टाइम में यहाँ पहुंच जाएगी, उसने अब तक कितना डिस्टेंस कवर किया, वैसे सारे क्वेश्चन देखे ना हमने ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये उसकी क्या हुई एप्लीकेशन हुई, एप्लीकेशन मतलब उसका यूज हुआ, तो एक होता है नॉलेज देना और दूसरा होता है उसका यूज, जहां पर सिर्फ तुम नॉलेज गेन कर रहे हो, जैसे कि भाई रिप्रोडक्शन ओके, तो रिप्रोडक्शन हमने नॉलेज गेन किया ओके, उसका यूज एप्लीकेशन जब टाइम आएगा तब होगा, लेकिन अभी नॉलेज गेन किया। ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग तो पहले से कर ही रहे हैं भाई, तो यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन पहले से ओके, और अब थियरी पढ़ रहे हैं हम, अब थियरी पढ़ रहे हैं, डाइजेशन हमने पढ़ा ओके, न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा, डाइजेशन हमने पढ़ा, ब्लड सर्कुलेशन, तो वो सब तो पहले से ही हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकल पहले से हो रहा है, और थियरी अभी हम पढ़ रहे हैं, कई जगह पे थियरी पहले पढ़ लेते हैं प्रैक्टिकल बाद में, लाइक दैट। तो नॉलेज जो है साइंटिफिक सिस्टमेटिक नॉलेज मतलब साइंस, और वही नॉलेज का यूज और एप्लीकेशन मतलब टेक्नोलॉजी, देन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज, देन ओके सिस्टम था सिंपल था, बस तो ऑब्जेक्ट ये रहा okay. क्या क्या है, नेम दी पायोनियर्स इन वास्तुशास्त्र, यस तो ये लिखने हैं हमें कि वास्तुशास्त्र में जो पायोनियर है मतलब बहुत ही महानुभाव ओके, वो कौन है, स्कॉलर्स जिसे हम बोलते हैं एकदम हायर ऑथोरिटी, ब्रह्मा मतलब कौन, ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वो ब्रह्मा, नारद उनके पुत्र नारायण नारायण जो जप करते हैं वो, बृहस्पति वो सेज है सेज बृहस्पति ओके, देन भृगु सेज भृगु, कौन से भृगु, भरूच वाले भृगु जिनके नाम से भरूच नाम पड़ा, भृगु ऋषि ओके, भृगु ऋषि ने यहां तपस्या की थी हजारों साल रिवर बैंक नर्मदा रिवर बैंक पे, इसीलिए वहां ये जो हमारा नेशन है ये हमारा जो रीजियन है, नेशन बोल रहा हूँ जो रीजियन है उसका नाम क्या पड़ गया, भृगु कच्छ ओके, भृगु कच्छ और फिर ब्रॉच एंड ऑल और अभी क्या है भरूच, तो वही है सेज हमारे भृगु ऋषि, देन वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि ओके, विश्वकर्मा वेर द पायोनियर्स इन वास्तुशास्त्र, तो ये सब है पायोनियर्स ओके, बोले टॉपर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, तो ये सारे टॉपर्स ओके।
हम जनरली वास्तुशास्त्र मतलब किसका नाम शायद हमें पता होगा, किसका? विश्वकर्मा जी का. ओके. और वास्तुशास्त्र एज वेल एज जहां भी कंस्ट्रक्शन करना हो या कुछ नया बनाना हो, जैसे कि विश्वकर्मा जयंती होती है तो सब जगह ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ना वो बंद होता है. इंडस्ट्री में भी तुम कुछ बना रहे हो मतलब उस दिन हम पूजा करते हैं किसकी? टूल्स एंड वो सब जो टूल्स से हम इंडस्ट्री में काम करते हैं. ओके. जो स्पैनर से काम कर रहे हैं या टूल से काम रहे, ये कारपेंट्री वर्क करते हैं, काट रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, तो वो सब टूल्स है, उसकी हम पूजा करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान रक्षा करना. पूरे साल हम यही सब चीजों में उलझे हुए रहते हैं और टूल्स ऐसे है कि एक छोटा सा भी इधर उधर हो गया तो डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लग सकता है हमें. तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए टूल्स का भी, एट द सेम टाइम मशीन्स का भी. भले ही हम बोले कि भाई इट इज नॉन लिविंग, बट फिर भी वी शुड रिस्पेक्ट इट. ओके. नहीं बोलते कि यार खाना देता है हमें, लाइक दैट. जैसे कि किसी की ऑटो रिक्शा हो तो ऑटो रिक्शा घुमा रहे हैं, उसी से अर्निंग्स हो रही है और वो अर्निंग से मतलब खाना खा रहे हैं और उनका घर चल रहा है. तो हम बोलेंगे घर किससे चल रहा है? तो हम बोलेंगे ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग घर कैसे चला सकता है? बट नॉन लिविंग ही घर चला रहा है ना. ऑटो रिक्शा है वो चल रही है. अगर सपोज किसी की ऑटो रिक्शा है अच्छे से चल रही है और उनका घर चल रहा है बेस्ड ऑन ऑटो रिक्शा, और अब ऐसा समझो कि उसमें कोई मेंटेनेंस वर्क आ गया, एक वीक तक वो रिपेयर होगी, तो एक वीक तक कितनी तकलीफ हो जाएगी सोचो. वहां थोड़ी सैलरी मंथ के बाद मिलती है और पैसे है ऑलरेडी, यहाँ तो डेली है भाई, डेली के 500, 1000, 500, 400, 600 उतने पैसे जो भी अर्न करेंगे वो पैसों से ही घर चलता है. तो फिर नॉन लिविंग हो तो नॉन लिविंग, लेकिन हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये सब हमारे पायोनियर्स हैं वास्तुशास्त्र में. नेक्स्ट, वास्तुशास्त्र में क्या क्या चीजें और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? तो भाई ड्वेलिंग प्लेसेस, प्लानिंग फॉर ड्वेलिंग प्लेसेस, जहां पर हमें ड्वेल करना हो मतलब खुदाई करनी हो, ओके, उसके बारे में प्लानिंग. टेम्पल्स के बारे में, टेम्पल्स कैसे बनना चाहिए, जैसे कि अभी जो हमारा राम टेम्पल बना अयोध्या में, ओके, राम जी का टेम्पल, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए मेनली जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो उसका टाइम पीरियड क्या था पता है? 84 सेकेंड. वो 84 सेकेंड में मेन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी. फंक्शन कैसे चला? 5-6 घंटे सुबह से लेकर के दोपहर के 1:30-2 बज गए. ओके. बट मुहूर्त कितना था पता है? ओनली 84 सेकेंड, मतलब 1.5 मिनट. 84 सेकेंड उतना ही मुहूर्त था. वो 84 सेकेंड 12:20 के बाद था. दोपहर के 12:20 के बाद वो 84 सेकेंड्स बीच में आते थे. उसी टाइम पे वो मंत्रों हमें प्रोनाउंस करने हैं, हाइम्स मंत्रास हमें प्रोनाउंस करने हैं, भगवान की पूजा करनी है, तब जाके अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा मतलब प्राण डाल रहे हो. तो पहले एक विग्रह था, एक स्टैचू थी, उसमें हम लॉर्ड को प्रे कर रहे कि राम जी आइए इसमें ही रहिए और अब इसमें रहकर ही आप हमेशा हमें दर्शन देना, लाइक दैट. जैसे हम लिविंग बॉडी है, अंदर से सोल निकल गई, प्राण निकल गए, तो सिर्फ ये बॉडी रह गई, अब नॉन लिविंग है. ओके. अब ऐसा समझो कि ये जो हमारे प्राण निकले हैं उसको फिर से कोई अजा हमारी बॉडी के अंदर डाल दे तो उसको क्या बोला जाता है? प्राण की प्रतिष्ठा की. ऐसे समझ में आ रहा है? तो वो टाइम पीरियड कितना था? ओनली 84 सेकेंड. कैसे पता चला ये सब कुछ भाई? ऐसे थोड़ी पता चलेगा, हमारा साइंस है हमारा. ओके. और वो जो टाइमिंग है, वो जो नक्षत्र, नक्षत्र इन द सेंस जो प्लेनेटरी मोशन से बनता है, वो टाइम पीरियड नेक्स्ट कब आता पता है? 2028 में. अभी इतना अच्छा टाइम पीरियड था, उतना अच्छा टाइम मुहूर्त नेक्स्ट कब होता? 2028 में. इसीलिए जल्दी थी हमें कि चलो कर दे 2028 में, तो अभी 4-5 साल बाकी, इसीलिए हमें जल्दी थी. क्यों? क्योंकि अभी भी राम जी का टेम्पल पूरा बन के रेडी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत बड़ा टेम्पल है, पूरा नहीं हुआ है कामकाज. तो कई लोग ऐसे अपोज कर रहे थे, कह रहे यार आधे मंदिर में कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे. कंस्ट्रक्शन तो अभी पूरा नहीं हुआ, बट कंस्ट्रक्शन
जो हो गया है गर्भगृह का, वहां पे ही हमने रामलला को विराजा है। So that, वो सब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, तो वही टेम्पल्स, पैलेस, महल, ओके, अश्वशाला घोड़ों की, ओके, अश्वशाला, फोर्ट्स बनाने हैं, आर्मोरी मतलब जो आर्म्स होते हैं ना, ओके, शस्त्रशाला बोल सकते हो, आर्मोरी मतलब क्या, शस्त्रशाला मतलब जहां पे सब शस्त्र रखे हुए हो, वो जैसे कि आर्मी के पर्टिकुलर जगह होगी ना, यहाँ सारी बंदूकें रखी हुई है, यहाँ सारे मिसाइल है, यहाँ सारे बॉम्ब है, ओके, तो वो पर्टिकुलर जगह है उसको क्या बोलते हैं, आर्मोरी, हथियार जहां रखे हुए होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह होगी, कहीं पर भी थोड़ी ऐसे रखा हुआ होगा, सो दैट इज आर्मोरी। एंड टाउन प्लानिंग में भी, ओके, टीपी बोलते हैं हम, टीपी शॉर्ट में टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग में भी वास्तुशास्त्र का यूज होता है, पर्टिकुलर पता होना चाहिए भाई, कहीं पर भी यहाँ स्कूल बना दो, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दो, यहाँ बीच में स्विमिंग पूल होगा, वहां पे हॉस्पिटल होगी, ऐसा नहीं कर सकते, सही सही टाउन प्लानिंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर्स, अवर नॉलेज, वो सही टाउन प्लानिंग होती है। ओके, वैसे घर का भी वैसा होता है, सिटी का भी वैसा होता है, नेशन का भी वैसा, सबका टाउन। अभी जस्ट ये जो टीपी वर्ड आया इसलिए याद आया, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले भरूच ने गवर्नमेंट के पास, भरूच गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 5 टीपी रखी थी डिमांड, टीपी मतलब टाउन प्लानिंग, 5 टाउन प्लानिंग प्लान्स थे हमारे, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट ने हमारी जो भरूच की जो डिमांड थी 5 प्लान्स की, 5 में से 3 प्लान्स को अप्रूव कर दिया है, तो और ज्यादा बड़े लेवल पे और डेवलपमेंट होगा। और तीनों तीन टाउन प्लानिंग कहाँ की है पता है, नया भरूच, जाडेश्वर के उस साइड, तवरा रोड, तीनों तीन, यहाँ तो है ऑलरेडी सब कुछ, यहाँ थोड़ी करना है, तीनों तीन टाउन प्लानिंग कहाँ पे है, मतलब क्या नया नया सब कहाँ आएगा, उस साइड आएगा, नर्मदा कॉलेज वाला रोड वो साइड आएगा, सो वहां है, सो टाउन प्लानिंग में भी मतलब ये सारी चीजें भी वास्तुशास्त्र में इंक्लूडेड है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, पक्का ना, into how many sections is astrology? Astrology divided into 3 sections. कौन कौन से? हाँ, अभी पढ़ा ना हमने, तंत्र, होरा एंड संहिता, एस्ट्रोलॉजी 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। डन, ओके, तो इसी से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव तुम पढ़ लो, देखो कौन कौन से हैं, वो तो इजी है। नटराज, यस, वही है वर्ल्ड फेमस। करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है। अच्छा, ये हाँ गलत है, एक्सपेरिमेंट तो है, गलत है, यस। सुश्रुत संहिता मैंने वही दी थी, सुश्रुत संहिता कौन सा सही है? अच्छा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सही है। अच्छा, तो बोलो। भास्कराचार्य जी ने क्या लिखा? लीलावती गणिकन बीजगणित। सही बात है, ये तो सही पूछा है या गलत पूछा है? सही। नहीं नहीं, फिर से पढ़ो। नहीं नहीं, उसके पहले क्या बोला है क्वेश्चन? कौन कौन सा ट्रू है, कितने सेंटेंस है टोटल? हाँ, पहला पढ़ो। सही है, ये तो ट्रू। इंडिया आर्यभट्ट मतलब इंडिया।
बुद्धयान वाला खोटा है। बुक रिटन में ब्रह्मभावा पंचालीस प्रजनन शास्त्र करेक्ट है। इन एंशियंट इंडिया पूर्व ब्रह्म सिद्धांत टू डिक्लेयर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ब्रह्म गुप्ता करेक्ट। व्हिच साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग सजेस्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग टेंपल्स प्लेसेस आश्वाला फोर्ट एक्सेट्रा वास्तु शास्त्र। बस सिंपल ओके समझ में आ गया। बस तो इतना रखता है।